आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा है। माकन आज शाम को 8:15 पर यानी कि 8:15 जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा है। शाम का वक्त है, 8:15 जयपुर एयरपोर्ट माकन पहुंचने वाले हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से आएंगे जयपुर, एयर इंडिया की फ्लाइट जिससे दिल्ली से वो जयपुर पहुंचेंगे। सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे अजय माकन, इसलिए उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। सभी की निगाहें भी टिकी हुई है, क्या कुछ होगा सत्ता और संगठन को लेकर। निकाय चुनाव परिणामों का फीडबैक भी वो लेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा संभव है। कहा यह जा रहा है कि निकाय चुनाव जो अभी हुए थे उसका रिजल्ट जो भी रहा उसको लेकर फीडबैक को लेंगे। हालांकि ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की थी और उसके बाद आज चूंकि दौरा है इसलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, उसको लेकर भी क्या बातचीत होती है, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी चर्चा संभव है ऐसा कहा जा रहा है। लंबित मसले जल्द सुलझे, ये होगी माकन की कोशिश। जो मामले उलझे हुए हैं या फिर जो लंबित मसले हैं वो राजनीतिक नियुक्तियों की भी हो सकती है, मंत्रिमंडल फेरबदल की भी हो सकती है और भी कई अन्य मसले हो सकते हैं, जल्द सुलझे ये कोशिश माकन करेंगे। सीएम गहलोत पीसीसी चीफ डोटासरा और पायलट से भी मुलाकात करेंगे, ये कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री के साथ तो उनकी चर्चा होगी ही। तमाम घटनाक्रम को लेकर पार्टी के भीतर किस तरीके से काम हो रहा है या फिर अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से निकाय चुनाव के परिणाम रहे उसको लेकर भी चर्चा होगी। राजनीतिक नियुक्तियों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है या फिर नियुक्तियां कब तक होनी है, मंत्रिमंडल फेरबदल कब तक संभव हो पाएगा, इसको लेकर भी चर्चा वो सीएम के साथ भी करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पीसीसी चीफ डोटासरा और साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी वो मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत होगी। शाम को 8:15 पहुंचने वाले हैं। अब ये मुलाकातों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला, मंथन का सिलसिला आज शाम से ही शुरू हो जाएगा या फिर कल से होगा, इसको लेकर जानकारी लगातार आप तक पहुंचाएंगे। क्या सवाल जो है वो आपको बता रहे हैं, जयपुर के हालात देखकर तो अभी नहीं लगता है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी रुक हो पाएंगी इस स्थिति में। अलबत्ता अलकमान एवं माकन दोनों ही इसमें दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन जयपुर में गहलोत समर्थक 102 विधायक लामबंद हो रहे हैं और साथ ही साथ अब ये पूरा जो उनका यहाँ आने का कार्यक्रम है उसके बाद किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, शाम को पहुंचने वाले हैं अजय माकन 8:15, जो बैठकों का दौर होगा, मीटिंग्स का दौर होगा आज से ही चलेगा। सबसे पहले तो कितने दिन के दौरे पर जयपुर पहुंच रहे हैं माकन? देखिये दीपा, एक दिन का उनका दौरा है प्रदेश प्रभारी अजय माकन। आज शाम को करीब 8:00 वो जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका सीधा सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का कार्यक्रम है और अगर किसी कारणवश देरी होती है पहुंचने में, जयपुर आने में, तो उसके बाद कल सुबह उनका मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा है वो उनकी अगुवानी करेंगे, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है उनके साथ चर्चा होगी। कल पूरे दिन अजय माकन है वो जयपुर में रहेंगे और कल देर शाम को वो दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन अचानक जो उनकी ये जो यात्रा है उसको लेके कई तरह की अटकलें हैं कि क्या जो उन्होंने डेडलाइन दी थी 31 जनवरी तक की जो राजनीतिक नियुक्तियों को लेके, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, यानी उस डेडलाइन तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई है, तो क्या ऐसे में यहां आके वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके, साथ में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा करके, या जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट उनसे चर्चा करके क्या इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ एक लिस्ट है वो जारी हो पाएगी। साथ में इस बात की भी चर्चा है कि लगातार जिस तरह से मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा लगातार चल रही थी, तो इस बात की अब चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या विधानसभा सत्र जो शुरू हो रहा है 10 फरवरी से, उससे पहले एक संक्षिप्त फेरबदल यहाँ पे हो सकता है क्या। इस बात की संभावना तलाशने के लिए भी संभवतः अजय माकन है वो जयपुर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरह से लगातार घटनाक्रम है वो भी बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो विधानसभा सत्र है तो ये सही है कि कई विभाग जो है वो बिना मंत्रियों के रहेंगे। अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होता है, नए मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होती है, तो कई ऐसे प्रमुख विभाग है जो बिना मंत्रियों के रहेंगे, चाहे उसमें खाद्य आपूर्ति की बात करें, चाहे उसमें पर्यटन की बात करें, या हम पीडब्ल्यूडी पंचायती राज की बात करें, ये इन विभागों के अभी कोई मंत्री नहीं है। तो ऐसे में क्या जब सरकार विधानसभा सत्र में जाएगी, बजट सत्र होगा, बजट पेश होगा,
तो क्या उसमें ऐसे विभाग बिना मंत्रियों के रहेंगे क्या? नरेश, लेकिन सभी के भीतर ये सवाल भी है ना कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए तमाम जो घटनाक्रम अभी चल रहे हैं उसके मद्देनजर क्या ये संभावनाएं लगती हैं कि अभी ये फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव हो सकता है, फिर राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है, मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है, संभावनाएं कितनी आपको दिखाई देती हैं आज के दौरे के बाद से? देखिए दीपा, राजनीतिक नियुक्ति की जहां तक बात है तो कई नियुक्तियां पहले भी हो चुकी हैं, एक एक करके हो भी रही है, लेकिन एक जो बड़ी सूची की जो बात लगातार की जा रही थी कि 20 से 25 नियुक्तियां है वो एक साथ होगी, उनकी सूची जारी होगी जिनमें प्रमुख बोर्ड है, प्रमुख अकादमियां हैं, ऐसी जो सूची है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो जहां तक विधानसभा सत्र जो की 10 फरवरी से शुरू होने वाला है, ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों की जो सूची है वो तो कभी भी जारी हो सकती है, उसको लेके कोई बड़ा पेच नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिनों की अगर देरी हो जाए डेडलाइन की तो भी ये माना जाता है कोई एक्सरसाइज चल रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है वो इस बात को लेकर कि क्या विधानसभा सत्र से पहले एक छोटा मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, क्या उन मंत्रियों को फिर से शामिल किया जाएगा जिनको हटाया गया था, जिनको बर्खास्त किया गया था, या उनके एवज में पायलट ग्रुप से कोई दूसरे मंत्री शामिल किए जाते हैं क्या? क्योंकि तो देखिए, अगर अभी मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पाता है तो उसके बाद लगता है कि उसके बाद अप्रैल मई तक का जो समय है वो सीधा सीधा निकलेगा, क्योंकि विधानसभा सत्र चलेगा, उसके बाद उपचुनाव आ जाएंगे, तो ऐसे में अप्रैल के आखिर या मई के बाद तक का समय सीधा चला। लेकिन नरेश, वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, क्योंकि अभी पहले ही हमने देखा था कुछ महीनों पहले जो घटनाक्रम हुए थे सियासी जयपुर में, उसके बाद से जो स्थितियां बदली थी, अब चूंकि जल्दबाजी में कांग्रेस कोई भी फैसला लेना नहीं चाहेगी, राजस्थान कांग्रेस हो या फिर अलकमान की तरफ से हो, क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर एक तरफ प्रेशर है पायलट गुट की तरफ से, तो दूसरी तरफ लामबंद है 102 विधायक जो सीएम गहलोत के साथ है। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट ग्रुप है वो पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं इस बात को लेके कि जो भी बातें हुई थी, जो जिन भी समझौते के आधार पे उनकी वापसी हुई थी, उस आधार पे उनका मानना है कि उनके जो साथी जो मंत्रिमंडल से बाहर किए गए थे उनको वापस लिया जाएगा, और अगर उनको नहीं लिया जाता है तो उनके एवज में उन्हीं के ग्रुप से जो और मंत्री है वो शामिल किए जाएंगे। लगातार इस बात का दबाव बना है, इसमें कोई वो नहीं है कि इस तरह का दबाव तो नहीं बनाया गया है, बिल्कुल बना है, और उसी दबाव का नतीजा माना जा रहा है कि अजय माकन जो है वो जयपुर आ रहे हैं और दोनों नेताओं से मिलके बात करके किस तरह रास्ता निकाला जा सकता है। बिल्कुल, दोनों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने पर ही फोकस अजय माकन का भी रहेगा। बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।